गुड न्यूज, फाइनली जिज्जी लेके आई गुड न्यूज। तुमको क्या लग रहा था, किस तरह की गुड न्यूज की तुम उम्मीद कर रहे थे? अब जो जिज्जी के लिए अगर 2 डब्बा ले आती वो भी गुड न्यूज हो जाती है। तो पंखा लाना और थोड़े मोड़े सामान लाना, वाईफाई लगवाना, ये सब गुड न्यूज में आता है, समझे? तो कृपया करके जब गुड न्यूज या खुशखबरी वाले टाइटल हों तो समझ जाओ घर में कोई लुटिया बर्तन कटोरिया आवा या तो फिर पंखा झाड़ू कुछ भी हो सकता है। देखिए कुछ भी गुड न्यूज का वो मतलब नहीं होता है जो तुम्हारे घर में हमारे घर में सबके घर में होता है। गुड न्यूज वो कतई मतलब नहीं होता है। तो आज से गांठ बांध लेना, अगर ई कुनबा वासियों के टाइटल में गुड न्यूज हो तो उसका मतलब है घर में कोई नया सामान आया है या सब्जी भाजी लाए हैं। यहाँ तक कि धनिया मिर्चा लाने को भी गुड न्यूज बता सकते हैं, क्योंकि ई है कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। कितनी बार बताएं हैं। तो भाई जिज्जी के इस रंगारंग कार्यक्रम में ओ भाई भाभी के खिलाफ कुछ बातें लिखी हैं और वो अभी तक पब्लिक है। इसके अलावा कुछ सामान लिया है तो परमिशन लेकर कॉल करके बतावा गवाह है। और बग्गा छोड़ के अपनी बीबी आ चुका है घर, तो कहा बीबी अब कुछ दिन वहीं रहेगी। अच्छा अब ना थोड़ा सा जो फर्क था, जैसे कोई आवा था झूठ की दीवानी, वो अच्छी से एक क्लास दे गई थी इनके माइंड को ना, एक तरीके से पूरे तरीके से ब्रेन वॉश करके चली गई थी। तो वो वाला रूप अब जिज्जी का फिर से बदल गया। जिज्जी धीरे 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 सोच रही कि देखो हमको यहीं पे है रहना, और इसकी बातों में आए कि अगर हमने यहाँ पर कर दिया तो बाकी चीज़ें तो हमने खो ही दी हैं, बाकी चीज़ें तो हमने गवा ही दी हैं अपने इसी अंधभक्ति में कि दूसरा कोई बोलता है जो मेरा खून का रिश्ता है, जो मेरी सगी बहन है, और उसको बिना समझे बिना जाने कि मेरे लिए मेरी लाइफ के लिए कैसा होगा अपनी जिंदगानी में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब ना हमको ऐसा कतई नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल जिज्जी ने पहले नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच ली है। तो भाई वीडियो की शुरुआत होते ही जिज्जी बताती है कि हमने ना दुपट्टा के जो भी जहाँ पर भी सामान वामान रखा था, अब उनकी अलमीरा थी या कोई कुछ और जगह कबर्ड वगैरह, वहाँ से सामान निकाला और जितना निकाला उतना कॉल करके बता दिया, क्योंकि जिज्जी का कहना है एक ना स्पेस ज़रूरी है। हैं भाई, अगर किसी का कोई चीज़ रखो तो बेसिक मैनर है, पूछो। ये बेसिक मैनर सारे इधर है फॉलो होते हैं, कहीं और आपने फॉलो करे होते तो कुछ और ही कहानी होती है कि एक स्पेस ज़रूरी है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो इतना ज़्यादा खोपड़िया पे नहीं लेने का, हर चीज़ की ज़िंदगी में नहीं घुसने का, हर जगह पे लुकड़ी नहीं लगाने का। काश कि ये वाला जो स्पेस अभी आपको ज़रूरी लग रहा है पहले लगा होता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमेंट की। कमेंट जो आवा है जो सबसे ऊपर है, भाई एक सब्सक्राइबर है, इनका कहना है कि परेतिन कल मैंने दुपट्टा का कमेंट देखा, मैंने करा था उनको एक प्रोडक्ट को लेकर जो कि उसने डिलीट कर दिया है। क्यों? इनका कहना वो प्रोडक्ट के बारे में झूठ बोल रही थी, तो मैंने उसको कमेंट कर दिया कि ऐसा नहीं ऐसा। तो इनका कहना कि देखो हमको जो लगेगा हम बोलेंगे, हम अंधे भगत नहीं हैं, तो हमको अगर वो चीज़ सही नहीं लगी तो हमने बोला, लेकिन उसने कमेंट डिलीट कर दिया। आए हाय, सब लोगों ने आए कि इस पर लगातार लाइक कर दिया। तो तुमको हम बता दें चैनल पे कोई भी एडिटिंग बग्गी नहीं ना कर सकती, राइट? किसके पास है? वन ओनली बग्गा और यहाँ पे जितने बड़े बड़े हैं घर के बॉस हैं उनके पास है। तो कृपया करके आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका कमेंट किसी और ने डिलीट किया है, उसने नहीं किया है। इसके अलावा जिज्जी ने भाई एक चीज़ और बताई है कि नीचे हेल्पर लगी है, मतलब जो बग्गी दिखाती है हमने यूँ काम किया वो काम किया, इतना परेशान हो गई उतना परेशान हो गई, तो वो सिर्फ कैमरा के लिए होता है। वैसे हमको सबको ये पता है कि अक्सर इनके जो काम होते हैं वो कैमरा के लिए ही होते हैं। तो नीचे तो अभी तक छुट्टी चल रही है, मतलब ना बहुरिया है ना सास है, सास कहीं और एहसास लिए गई है, अब होली देखेंगे कहाँ पटना की, और बहुरिया अपने मायके चली गई है। तो भाई हमारे जिज्जी ने सोचा कि काहे इनकी छुट्टी करते हैं ऊपर लगा लेते हैं। नहीं नहीं बग्गा लौट आवा है, बग्गा वापस आ चुका है, और 2-3 दिन अब जिज्जी को यहाँ अकेले छोड़ के गए थे भाई साहब, तो समस्या भारी हो सकती थी ना, तो इसलिए दूसरे दिन बग्गा आ चुका है। अब कहाँ पता कोई किधर से बम वम छोड़ देते, अकेले छोड़ना यहाँ पर घातक है ना, जान का खतरा। कितनी बारी लोग टाइटल लगाए हैं, वो तो कहो जेट प्लस सिक्योरिटी नीचे लगी रही होगी, ब्लैक कमांडो
जिजी अकेले कैसे रह सकती है। अब YouTube पे जो बयान दर्ज किया था जिजी ने, उसमें बताया था कि मेरी जो मम्मी है वो चली जाती हैं जॉब पे, मेरा भाई भी चला जाता है काम पे, मैं अकेले रहती हूँ, मेरी जान का खतरा है। अब सुनहरा अवसर पाए कि कहीं कागजी पति कुछ बम गोले विस्फोट ना कर देते हैं हमारी जिजी का जान का खतरा, तो भाई साहब इसलिए जल्द से जल्द बग्गा आ चुका है और बग्गी को वहाँ उसकी जगह पे पहुँचाया है कि भाई, और जिजी इस बारे में सफाई दे रही है कि नया नया रिश्ता है तो अच्छा लगता है कि कोई अगर कहीं जाता है ना, दिल खुश हो जाता है। जैसे कि हमारी जिजी अगर आती मम्मी के साथ उसको अच्छा लगता है, और मैं जब आया करती थी इधर अपनी ससुराल से मर के तो मुझे भी अच्छा लगता था। वैसे जैसे कि हम सबको पता है आप तो हर सैटरडे चली आती थी तो आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता होगा। खैर अब का ही बोल सकते हैं, आती थी अब आएंगी कैसे जाएंगी कैसे, वो तो खैर आपने अपने हाथों से ही बिगाड़ा है। मतलब जो रास्ता था वहाँ जाने का वो आपने पाट दिया, एक सुरंग थी वो आपने बंद कर दी क्योंकि आपको जानना था ही नहीं। उस सुरंग में आपने एलिगेशंस लगाए, गाली गलौज करे, चरित्र चित्रण करे, कभी सास के कभी पति के कभी ननन के, मतलब कहीं पर आपने कुछ जगह छोड़बे नहीं करी कि उमस निकल सके। थोड़ा छोड़ दिया होता कि कल का पता हमारा मन बदलता है तो हम चले जाते हैं। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, जिससे प्यार मोहब्बत होता है ना तो कोई उसके लिए ऐसी चीज़ें बोल नहीं पाता, सौ की सीधी बात नक्को बकवास। तो भाई अब आते हैं जरा चाची जी पे। नहीं नहीं ताई जी अलग हैं, ताई जी मम्मी जी की मुंह बोली बहन है जो कि कभी कभार इनके यहाँ आती हैं ज़रूरत के टाइम, जब इन लोगों को ज़रूरत होती है तो उनको बुला लिया जाता है, वैसे नहीं बुलाया जाता है। तो ज़रूरत के टाइम ताई जी आई थी यहाँ पर रुकने के लिए। चाची जी वो हैं जिनको बोला जाता है हाउस हेल्पर। अब उनकी हेल्प अगर करेंगे तो हाउस में काम करवाएंगे, फिर ये उनकी हेल्प करेंगे इससे, या फिर कुछ पुरानी वुरानी चीज़ें देकर, या दस की दो या 10 की 1 जो गांव में आता है ना ठेला लेके, वहाँ से कभी कभार कुछ सामान खरीदवा देती हैं, इस प्रकार से चाची जी की हेल्प करती हैं। तो तमाम लोगों ने कहा कि भाई, नीचे कमेंट भी आया कि तुम्हारी चाची तुम्हारी हाउस हेल्पर हैं, चाची को हाउस हेल्पर तुम लोग कैसे बोल सकते हो? ये बोल सकते हो कि चाची को काम करने के लिए मदद ली है, बदले में भाई हम कुछ कर देते हैं, पे कर देते हैं, या फिर जो भी है। लेकिन ये हाउस हेल्पर कई बार हमने बग्गी के मुँह से भी सुना है और हमारे जिजियों के मुँह से तो सुनते आ रहे हैं हाउस हेल्पर। अब जिसको यूँ उम्मीद है कि बिना काम करवाए चाची के हेल्प कर देंगे तो यूँ पॉसिबल है नहीं। समझ में आवा? लेकिन जो रिलेशनशिप के ऊपर जिजी ने स्पीच देना, बहुत ज़्यादा हमको हंसी आई और लोग भी हंस रहे होंगे। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपने किसी का कोई सामान लिया है तो आप उसको बता दो। वैसे जिजी आपने तो सबके नंबर ब्लॉक कर रखे हैं उधर के, हैं तो अगर आपका वो लोग कोई सामान अगर लेना चाहें तो आपको कैसे बताएं? मतलब इंस्टाग्राम पे वहाँ पर भी आपने ब्लॉक कर रखा होगा, तो क्या कोई खबरी भिजवा मैं? या फिर खैर आपका सामान एज इट इज़ रखा है, चाहे आपकी चूड़ी हो, चाहे आपकी क्रीम हो, चाहे आपका कोई वहाँ पर जो भी आपने रखा हो साबुन वाबुन है ना, वो सब कुछ वैसे रखा है एज इट इज़। कई बार तो भाई आपके वॉइस ओवर चैनल ने गाली गलौज भी करा चप्पल को लेकर, सूट को लेकर, बाद में पता चला कि भाई वो आपका था ही नहीं, उसी प्रकार का आपकी ननद के पास भी था। बेचारी को आपका जो है जहाँ पर उसने पेमेंट देकर ख़रीदा था उसका स्लिप तक दिखाना पड़ेगा। वहाँ आप ऐसे ना रिलेशनशिप को मजबूत बनाती हैं। खैर कभी सोचा है अपने किस लेवल पर आप जाती हैं? सोचेंगी कहाँ से आप। किसी भी रिलेशनशिप में अगर हमने किसी का कुछ सामान लिया तो उसको बता दिया, ये सब अगर हम फॉलो करेंगे तो भाई साहब ना हर किसी को अच्छा लगेगा, रिलेशनशिप अच्छा चलता रहेगा। मतलब यार ये जब रिलेशनशिप पे ज्ञान देती हैं तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हंसी आती है। रिलेशनशिप पे वो ज्ञान दे जो अपने रिलेशनशिप की केयर करता हो, जो अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखा हो, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि चलो हाँ सामने वाला बंदा इस लायक है। जी इस बारे में ना आप छोटी छोटी मगर मोटी बातें ना ही किया कीजिए। और जो फिर वाईफाई वाली खुशखबरी है उसके बारे में जिज्जी कहना था कि तमाम लोगों के लिए नॉर्मल सी चीज़ होगी पर हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है। दर्शकों जो वाईफाई है ना नीचे नहीं पकड़ता है, अब नीचे वाले अपना वाईफाई यूज़ करेंगे, ऊपर वाले अपना वाईफाई यूज़ करेंगे। कहा इसकी जिज्जी ने बताया कि भाई उसका नीचे रेंज आता ही नहीं है, तो अब जब चाहे जैसे चाहे वीडियो हमारी जिज्जी अपलोड कर सकती है। अब उसका कोई अब तुरंत बनाने लगी है। कल उसने बताया कि 20 तारीख थी। चलो कम से कम
करंट टाइम पे तो आई, लेकिन बग्घा का तो अभी भी पुराने टाइम उसके वीडियोस में चल रहा है। हाँ तो मेरे वीडियो में ज़रूर लास्ट में एकदम गाना गुना गा रहा था बैकग्राउंड में, तो सुनाई दिया। तो अब सोचो सबके अपने अलग अलग वाईफाई भी हो गए, नीचे वाईफाई है ऊपर भी वाईफाई है। एक टाइम था जब हमारे ये जिज्जी वहाँ अपना घर घुर छोड़ छाड़ के आई थी एकदम से, नीचे बिस्तर लगाती थी, बच्चों को वहीं सिलाती थी। उस टाइम बग्घी का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ था। बग्घा बोल रहा था मम्मी जी से कि सुनो मम्मी, कोई काम वाम कराना है तो बता दो, कहा कि वह वाईफाई का पासवर्ड मांग रही है, फिर अभी ना इंटरनेट चलाने लग जाएगी, फिर बिजी हो जाएगी, काम धाम नहीं करेगी। लोगों ने भर भर के बग्घा की सराहना करी थी कि वाह अरे वाह, एक वाईफाई इंटरनेट के लिए तो अपनी बहन के साथ ऐसी बातें कर रहा मम्मी जी के साथ। तो भाई बग्घा ने उस पर बहुत सारा सफाई नामा दिया था। तो वो सारी चीज़ों को याद करते हुए हमारे जिज्जी ने सोचा अब सब कुछ तो कर ही लिए हैं तो अपना वाईफाई भी खुद ही का लगा ले हैं, और धीरे धीरे देखिएगा दर्शकों आरोप भी लग जाएगा, क्योंकि झूठ की दीवानी कतई अपनी हार पसंद नहीं करती हैं और ना ही करेंगी, फिर से ना उनका शुरू हो जाएगा का ज्ञान वाली बातें मोबाइल के थ्रू, तूने माना नहीं फिर से आज दुपट्टा की तारीफें कर दी, फिर से यहाँ पे ज्ञान बघार रही है। देखिए दुपट्टा का जो ज्ञान बघाड़ने का इनका रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कुछ सब्सक्राइबर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितनी अच्छी ननद हूँ, अंदर इनके कितनी खुन्नस भरी है, कितना दुख तकलीफ है। ये परसों फूटा था जब, परसों या नरसों, जब दो तीन दिन हो चुके हैं जब इन्होंने अपनी बहन के लिए बहुत सारी बातें करी थी, बहुत सारी तारीफें करी थी कि दुनिया जहान एक तरफ और हमार बहन एक तरफ, कोई साथ दे ना दे लेकिन हमार बहन ज़रूर हमार साथ देगी। इस बारे में जब वार्तालाप किया था तब ना ऐसा चीज़ हमको याद आवा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई तब सोचो और अभी का सोचो कितना दिमाग लगाती है। उस दिन ना दुपट्टा का जिक्र तक नहीं किया था सेकंड वाले हाफ में, भाई का अपने ज़रूर जिक्र कर दिया था कि हाँ इसके साथ भी मेरा बॉन्ड अच्छा है और हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, वो भी हमारे साथ खड़ा रहा है। और जिज्जी के तो जो भर भर के तारीफ़ें करी थी ना भाई साहब, का ही बताएं। तो वो सारी चीज़ें आपको याद है ना, मुझे भी बहुत अच्छे से याद हैं। और आज देखो फिर से ना दुपट्टा की अपनी मम्मी के साथ रहे, टाइम स्पेंड करे, यही टाइम तो है घूमने फिरने का, लाइफ को एंजॉय करने का। मतलब जब जनता जनार्दन इनको अड़े हाथों ले लिया कि भाई अगर वो अपने घर चली गई है तो यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना तुम्हारी माँ का फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ आप माँ के लिए निभाया नहीं, तो माँ से आप बोलो, माँ के लिए आप बोल सकते हो लेकिन भाभी के लिए यहाँ पर जिस तरीके से तुम दो तीन दिन में अपना वीडियो दिखाई हो, नीचे किचन में जाए के, यहाँ जाए के, वहाँ जाए के, लेकिन मुँह से तुमने नहीं व्यक्त किया, तो लोग भी समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इसके बाद भाई जब चाची जी काम करे आते हैं, जौन बर्तन धड़ाम धुड़ूम भड़ाम भुड़ूम करती हैं ना कि का ही हम बताएं, ऐसा लग रहा था कि आज ये बर्तन टूट फूट जाएंगे। फिर जिज्जी ने बोलिन दिया, लग रहा है चाची ने कुछ चीज़ पटक दी है, हमें लग रहा है चाची के मत्थे इन्होंने काम ज़्यादा डाल दिया है। अब दर्शकों आज यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर चाची काम करती हैं और जब नीचे होता है तो नीचे काम करती है, उसके बावजूद भी इन सब के काम ख़त्म नहीं होते हैं। वाह जी वाह। उसके बाद ये बग्घे के पास जाती हैं कहाँ, शॉपिंग करने। पंखे लाए गए हैं ऊपर लगवाने के लिए 3 से 4, और हाँ आगे आने वाले समय में धीरे धीरे और भी पंखे आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ज़रूरत होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उसी के हिसाब से और पंखे आते रहेंगे। अभी इतनी ज़रूरत थी इसलिए। तो ये सेकंड खुशखबरी थी। जिज्जी का कहना था कि इस टाइम ना ज़िंदगी में बस खुशखबरी ही है, गुड न्यूज़ ही है। तो जिज्जी के लिए गुड न्यूज़ यही होती हैं। और बग्घा अब आ चुका है तो 2-3 दिन, अब मम्मी जी तो अभी आएंगे नहीं, हाँ फाइनली बग्घा ही फिर से बग्घी को लेने जाएगा या फिर उधर से लोग भेजने आएंगे। तो कहा इस बार हमारी जिज्जी भी जाएगी बग्घी को लेने। तो एक बार ना फिर से इनकी कहानी मुड़ चुकी है। अब आप ही लोग बताओ दर्शकों, या तो ये एकदम किसी से खुन्नस खाते हैं या फिर एकदम प्यार मोहब्बत करते हैं। एक दिन तुम उस इंसान के बारे में गलत चीज़ें यहाँ पर प्रिटेंट करने की कोशिश करती हो, दूसरे दिन तारीफ है। एक दिन वो सामने वाला इंसान बुरा हो जाता है, दूसरे दिन एकदम दिल जिगर किडनी हो जाता है। तो तुमको लोग फेक नहीं कहेंगे तो का कहेंगे और जो कमेंट सेक्शन है लोग भर भर के तुमको असलियत बता रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कंघा के तक बात बता रहे हैं कि कंघा उसने कहा था खो गया फिर मैंने ढूंढा। कहने का मतलब है कि तुम्हारा भाभी लापरवाह है, कंघा खवा दी लेकिन तुम इतनी काम काजी थी कि कंघा ढूंढ के तुमने दम लिया है, यही बोलना चाहती हो।
देखिए सब यहाँ समझदार हैं और लोगों ने भी कमेंट किया है कि तुम लोगों को बेवकूफ समझती हो का। इसके अलावा जो रिश्तों वाली बात कही थी उसका भी लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि अपना परिवार ससुराल वाला रिश्ता तो बचा ही नहीं सकी और आई यहाँ रिश्तों पे ज्ञान देने। तो भैया ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें ऐसे ना ही किया करो कि जनता जनार्दन तुमको भर भर के घर आवे। और लोगों ने मज़े भी ले लिया कि चाची हैं या हाउस हेल्पर, इस पर भी थोड़ा सा ज्ञान नेक्स्ट वाले वीडियो में दे दीजिएगा। जिस पे ज्ञान देना चाहिए मैडम वहाँ पर तो देती नहीं है, फालतू का ज्ञान बघाड़ने आ जाती हैं। और जो इन्होंने बेसिक नीड को लोगों ने बताया कि भाई पंखा वंखा गर्मी आ रही है, नई का घर है तो पंखा लगाओगे, तो तुम्हारा बेसिक नीड है ना कि खुशखबरी या गुड न्यूज़ है। जनता जनार्दन ना अब गुमराह नहीं होगी मैडम। एक ने तो भाई यूँ तक लिख दिया कि आपका रोना और गुड न्यूज़ देना दोनों सेंसलेस होते हैं, क्योंकि रोने का कोई मतलब नहीं होता जब उन बातों का मीन नहीं करती हो, और गुड न्यूज़ ये होती नहीं है क्योंकि ये घर की छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं, हर किसी को ज़रूरत होता है, हर कोई ख़रीद के लाता है, तो क्या बताता फिर गुड न्यूज़ से टाइटल डाले हैं, ऐसे गुमराह करें। और जब बर्तन वर्तन धो रही थी चाची तो भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम हूँ करवा लेती, लेकिन तुमने तो चाची को हाउस हेल्पर और नौकरानी समझ रखा है तो का ही करवाओगी। तो कुल मिला के लोगों ने जो भर भर के धोया है ना ये डिज़र्व करती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कांड करती ही रहती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने विचार भी व्यक्त कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।